हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधा होम। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे व्रत में खाए जाने वाली समा के चावल की खिचड़ी। इस खिचड़ी को बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये हमने एक आलू लिया है जिसे हमने रफली चॉप काट लिया है, और ये हमने आधा कप समा के चावल लिए, और ये 2 चम्मच मूंगफली के दाने लिए, और उसके साथ ही लिया है हमने सेंधा नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच चाहिए। आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और ये घी लिया है 2 बड़े चम्मच। और अब बनाना शुरू करते हैं खिचड़ी। घी को हमने गरम कर लिया है। गरम होने के बाद उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा के साथ ही हम आलू को डाल देंगे जिसे हमने रफली चॉप काट लिया था। गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम आलूओं को पकाएंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को ढककर पका लेते हैं। आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आलू हमारे लगभग पक ही चुके हैं। हाथ से चेक कर लेते हैं तो ये देखिए आलू हमारे पक्का तैयार हो चुके हैं। और अब इसमें डाल देते हैं मूंगफली। मूंगफली के दानों को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, और इनको भूनने के बाद उसमें डाल देंगे हरी मिर्च जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और अब इसमें जाते हैं काली मिर्च जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, और उसके साथ ही हम ये समा के चावलों को डाल देंगे जिसे हमने अच्छे से धो लिया था, और इन्हें अच्छे से आलूओं में मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें 1.5 कप के करीब हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब इसे हम 7 से 8 मिनट तक रखकर पकाएंगे, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। अगर हम कोई सी भी रेसिपी बनाएं उसका हमें सही मेजरमेंट पता है तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनकर आती है। तो ये आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अगर आप मेरी चावलों की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो ये खिचड़ी अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नीचे रेड बटन को दबाना ना भूलें, वो बिल्कुल फ्री है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।